अब जब भी हम बायोलॉजिकल डाटा की बात करते हैं देयर शुड बी सम मेकानिजम सो दैट दीज डाटा बेस आर स्क्योर्ड की और अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन शुड बी देयर सो दैट दे डोंट गो इन टू रॉन्ग हैंड्स फॉर दैट परपज वी टेक हेल्प फ्रॉम लॉ एंड लेजिस्लेशन फर्म्स की कैसे इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जा सके सो लॉ और लेजिस्टन जो है दे हेल्प अस एट थ्री डिफरेंट स्टेप्स और फेजिज ऑफ biological databases which are number one they help us while creation of new databases secondly this law helps us while access of databases and finally how to manipulate this information it is also secured through law on legislation so we conclude that legal issues influence us or influence us while creating new databases manipulation or mani maintaining of these databases and finally usage of these databases to have legal issues hai, which should be sorted out while these three things so what are these issues or what are these legal uh, manipulations which we have to perform so for example whenever we are creating or collecting databases there are specific rights which are defined by these legal firms so for example one example is वी शुड हैवे इंफॉर्मेशन informative कॉन्सेंट कॉन्सेंट से मुरादी है कि हमें कोई यानी कि बॉन्ड वगैरह या कोई सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ता है उन पीपल का जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि दैट दे एग्री टू गिव अस इंफॉर्मेशन विच विल बी स्टोर्ड इन आवर डेटाबेस बेस सिमिलरली वी हैव कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड प्राइवेसी लिमिटेशन दैट वी डिफाइन अप टू विच लेवल इंफॉर्मेशन गैदर फ्राम डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स विल बी यूज either for research purposes or for application oriented purposes then we have database access uh, legal issues so uh, those issues basically are used by private parties aur isme kaun se rights hote hain contact rights ki kis se apne contact kiya hai kis niyat ka hai kitna data aap le sakte hain kitna share kar sakte hain कितना आप access करेंगे that data ko ye sab hamare contact rights mein aata hai then property rights ki wo property kiski hai who is the owner of that data either कलेक्टिंग ऑनर और फ्रॉम कैप्चर्ड और कलेक्टेड अगेन सो राइट ऑफ एक्सेस बाई गेंट पार्टीज हैं उनसे आप कैस किस किस्म का कॉन्ट्रेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आइदर दे आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विच आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दे आर फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी आर दे आर कॉन्ट्रैक्ट राइट के सिंपल आप उनके साथ Uh, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उनसे को पास दे रहे हैं राइट्स के और कुछ अपने पास रख रहे हैं सो so, uh, इससे मुराद ये है कि जब आप डेटाबेस बेस कलेक्शन कर रहे हैं आइदर इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल डाटा बेस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की है या सिंपल आपकी कॉमन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जिसके अंदर कोई सर्विलेंस टाइप थिंग्स अवेलेबल नहीं है देन इम्पैक्ट ऑफ लीगल इशूज ऑन रिसर्च एंड डिवेलपमेंट अब जब हम बात करते हैं कि देयर आर रूल्स और लीगल इश्यूज इन्वॉल्व वाइल कलेक्शन यूज और मेंटेनेंस ऑफ डाटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन तो कॉमन सी बात यह है कि देयर वुड बी लिमिटेशन ऑफ रिसर्च एंड डिवेल्पमेंट ऑल्सो इसका मतलब क्या है कि जो डाटा अवेलेबल है फॉर परफॉर्मिंग रिसर्च इट वुड बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ सेवरल लिमिटेशन देन वी हैव टू और ऑन एंड यूजर्स ऑफ डाटा बेसिस के जो हमारे डिवेल्पर्स हैं जो उस डेटा बेस को यूज़ करेंगे या आफ़्टर यूजिंग दैट डाटा बेस जो हमारे प्रोडक्ट बन रही है उसके जो यूजर्स हैं दे विल ऑल्सो हैव लिमिटेशन बिकॉज ऑफ़ दिज सिक्योरिटी कंसर्नस एंड फाइनली कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ डाटा कि जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है और विच कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट पीपल इट वुड बी रिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ दिज लीगल एंड लॉ बेस्ड इशूज़ सो वट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट दिस लीगल एंड लॉ इशूज Or very good for making the data skewed but the con is the problem or disadvantage is that there will be reduction in amount of sharing of data kejo hamara data share limited hoga for that particular reason there would be limitations while uh, we are doing some research or application oriented things based on that data and similarly it will directly affect our funding for particular researches related to bioinformatics domain.